जिस प्रदेश में कड़ी कानून व्यवस्था और पुलिस सुरक्षा के बड़े बड़े दावे कर बीजेपी सत्ता में आई है, अब उस प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस का एक ऐसा चेहरा आपको दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने सोचा तक नहीं होगा। आपको बता दें कि शाहजहांपुर के कांट थाना इलाके में शौच के लिए गई एक युवती से एक दबंग ने रेप किया, जिसके बाद लड़की के परिजन पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचे, लेकिन पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई की जगह लड़की के परिजनों पर समझौते का दबाव बनाने लगी। जब लड़की के परिजन समझौते के लिए राजी नहीं हुए तो पुलिस ने उन्हें वहां से दुत्कार कर भगा दिया। ये किसने कहा कि पैसे ले लो? पुलिस किसने कहा? जब पुलिस ने कहा हम तुम्हारा समझौता करा देंगे। वहीं अब पीड़ितों ने एसपी से मिलकर मामले में कार्रवाई की बात की है। कांट थाना क्षेत्र की एक महिला यहाँ पेश हुई थी, उसने अपने साथ जो है गलत काम किए जाने की बात बताई और प्रार्थना पत्र दिया, उस पर जो है हम लोग कन्वीशन करा करके उत्तरात्मक कार्रवाई। सर, बताया जाता है कि थाने में कुछ लोगों ने जो यहाँ के कांस्टेबल थे दरोगा थे, उन्हें भगा दिया था। बता रहे कि पक्षपात के लिए कोई योगी सरकार में थाने के भीतर रेप पीड़िता की इज्जत की बोली लगना और समझौता न करने पर भगा देना प्रदेश के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। शाहजहांपुर से नंदलाल, पंजाब केसरी टीवी।